ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक क्रिसमस से पहले एक बड़ी मुश्किल में घिर गए हैं। ब्रिटेन में कुछ ऐसा हुआ कि ऋषि सुनक सेना बुलाने को मजबूर हो गए हैं। ऋषि सुनक पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बने रहने का खतरा मंडराने लगा है। ऋषि सुनक की पार्टी के एक बड़े नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि कुछ गड़बड़ होने जा रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि ऋषि सुनक को ब्रिटिश सेना को सहायता के लिए बुलाना पड़ रहा है। कम से कम 1200 ब्रिटिश सैनिकों को स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए तैनात करने की योजना बनाई जा रही है, यानी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद उनका काम ये सैनिक देखेंगे। ब्रिटेन के कई ताकतवर लोग और ऋषि सुनक की ही पार्टी के कई नेता उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। ऋषि सुनक जब से प्रधानमंत्री बने हैं तभी से किसी न किसी मुद्दे पर उन्हें घेरने की कोशिशें की जा रही हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल ब्रिटेन में कई ट्रेड यूनियंस ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। ये हड़ताल जानबूझकर क्रिसमस के दौरान की जा रही है ताकि लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़े और ऋषि सुनक पर दबाव बढ़ाया जा सके। अब इसी वजह से ऋषि सुनक ने ट्रेड यूनियंस को चेतावनी दी है। ऋषि सुनक ने कहा है कि क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान हड़ताल से लाखों लोग परेशान हो सकते हैं। ऋषि सुनक ने कहा कि क्रिसमस के मौके पर यह हड़ताल ना की जाए और ना ही जबरदस्ती दबाव बनाने की कोशिश की जाए। आपको बता दें कि इस हड़ताल में रेलवे कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी और सीमा सुरक्षा कर्मचारी शामिल हैं। इन सभी ने बेहतर वेतन और काम की स्थिति की मांग को लेकर हड़ताल की घोषणा की है। बहरहाल लोगों पर हड़ताल का कोई असर ना पड़े इसके लिए ऋषि सुनक ने प्लान बी तैयार कर लिया है। ऋषि सुनक ने हड़ताल के दौरान महत्वपूर्ण सेवाओं को जारी रखने के लिए 1200 सैनिकों की सेवा लेने की घोषणा कर दी है। इस कदम से उनके विरोधी और भी ज्यादा भड़क गए हैं। ऋषि सुनक की पार्टी के नेता पीटर क्रुसाड ने तो यहां तक कह दिया है कि कुछ गड़बड़ होने जा रहा है, क्योंकि सदन के सदस्य ऋषि सुनक को नहीं चाहते, इसीलिए ऋषि सुनक की राह में ढेर सारी बाधाएं हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले भी ऋषि सुनक को अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ा था। कंजर्वेटिव पार्टी के दर्जनों सदस्यों ने ऋषि सुनक की मकान निर्माण योजना का कड़ा विरोध किया था। इस योजना के तहत ब्रिटिश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मकान निर्माण करवाना चाहती थी, लेकिन उन्हीं की पार्टी के सांसदों ने इसका विरोध किया। जहां मकान बनाने की योजना थी वहां के लोगों ने अपने सांसदों पर दबाव बनाया कि वो ऋषि सुनक के इस प्रस्ताव को पास ना होने दें, क्योंकि उनके इलाकों में घर बनने से वहां की खूबसूरती खराब हो जाएगी।